सुपरस्टार बनने के सपने लिए। जब वो पहली बार मुंबई आए थे तब उन्होंने कई रातें बेंच पे सोकर गुजारी। साल 2000 में वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, ना मूवीज थी, ना कंपनी, ना पैसा। परिवार की गरीबी के कारण वो बचपन में न्यूज़पेपर्स बेचते थे। सिर्फ एक रैंक पीछे होने की वजह से उनका इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए। लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें वहां वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार उनके अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट पति ने उन्हें और उनके दोनों बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में उन्होंने घर से स्नैक्स बेचकर अपना गुजारा किया। उन्होंने ठेले पर और कैंटीन्स में भी काम किया। अपने हिंदी मीडियम स्कूल में वो टॉपर थे, पर ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। बदकिस्मती से उनका बिजनेस चला नहीं और 2005 में वो बैंकक्रप्ट हो गए। हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत छोटे थे जब उनकी आंखों के सामने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। वो बेघर हो गए थे। ऐसे हालातों में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था। उनका बचपन काफी कठिनाइयों भरा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो 16 साल की उम्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी। वो मुंबई आई एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने खर्चे चलाने के लिए उन्हें मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ी। दलित परिवार से होने के कारण वो अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल क्राइम्स के शिकार थे। उन्हें स्कूल में क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। टीचर्स उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। ये एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन गरीबी हमेशा आड़े आई। 17 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के बाद सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। वो अपने करियर के पीक पर थे जब एक एक्सीडेंट में उनके पैर में गोली लग गई, जिसने उन्हें ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद वो 2 साल तक व्हीलचेयर पर थे।